हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हमको आना पड़ा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कुछ बातों को लेके। जैसे कि दिशा जी हैं, दिशा हो गई, आयुषी, शिल्पा, योगेश और योगेंद्र, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो रेगुलरली SMS करते रहते हैं कि सर मेरा क्या होगा अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है, सर मेरा क्या होगा अगर 2 से ज़्यादा में बैक है, सर क्या हम स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं, क्या सर हम यूपी टेट के फॉर्म डाल सकते हैं, क्या हम 3rd सेम में प्रमोट हो जाएंगे। या फिर कुछ बच्चे तो ये भी कमेंट करते हैं, मतलब कि सवाल जवाब करते हैं, सर क्या हमारा 1st सेमेस्टर का पेपर फिर से होगा। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और आपको इसे रूबरू कराएंगे। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप कर सकें। ठीक है, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में आएंगे तो बहुत सारे मैथ के क्लासेस करेंगे बेटा। अगर अभी तक, क्योंकि इस बार देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चों का छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहें, पहले तो ये सुन लें, है ना, छोटा सा वीडियो होगा, आप पूरे लास्ट तक बने रहें और फुल सपोर्ट करें। अगर आप फुल सपोर्ट करते हैं चैनल को, तब जाके हम कुछ अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपके लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 2 घंटे आपके लिए टेस्ट लिए मैथ का, बल्कि मैथ के सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं, सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। सामाजिक अध्ययन के भी क्लासेस चल रहे हैं, हिंदी के भी क्लासेस चल रहे हैं आपका, और आपका साइंस का भी क्लास चल रहा है, काफ़ी क्लासेस चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी कोर्स भी डिजाइन करेंगे आने वाले समय में, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके। तो सारे क्लासेस देखिए प्लेलिस्ट में आके, और जो चाहते हैं कि 3rd सेम अच्छे से निकले और यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त करें, उनके लिए खास कर है। हालांकि वो लोग अच्छे से जो 3rd सेम है, 1st सेम है और 2nd सेम है, उसके सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आप टेट भी अप्लाई करेंगे और अच्छे नंबर गेन करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 90 और 83 81 ही लाना है, आप लोग को बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, 100 के प्लस जाने की हमेशा कोशिश किया करिए, 110 120 ऐसे, तब जाके कुछ अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। तो चलें आज हम कुछ बातें कर लेते हैं इसके विषय में। पहले तो ये जान लें, जिनका 1 2 में बैक है उनको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी वह अपने आप को नर्वस ना फील करें, अच्छे से तैयारी करें 3rd सेम के लिए। जिनका 1 और 2 में बैक है और आगे स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, वो उसे डाल के निकाल सकते हैं। अगर लेकिन 1 2 में अगर उनको लगता है, जिनका 1 2 में बैक है अगर उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम अच्छे से नहीं किए थे, तभी डालिएगा स्कूटनी का फॉर्म, अन्यथा नहीं तो बैक का फॉर्म आएगा, उसको आप डाल के निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगेगा बेटा, एक अगर 1 2 नंबर से रुका है आपका, जिनके पहले एक लोग की बात कर रहे हैं बेटा, हम पहले इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे भी आते हैं, इस मुद्दे पे भी आते हैं, पहले इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आपका 1 और 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से बिना किसी चिंता के 3rd सेम की तैयारी कर सकते हैं, अपना बेहिचक तैयारी करिए और यूपी टेट के भी फॉर्म डाल सकते हैं। इस संशय में नहीं रहेंगे कि आप यूपी टेट के फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, सारे बच्चे यूपी टेट के फॉर्म डाल सकते हैं जो 3rd सेम में आ गए हैं, है ना, पहले तो ये जान लें। और 1 और 2 बैक वाले वो फेल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर वह उनको लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा था, जिसमें बैक लगा है, अधिकतर साइंस और मैथ में बैक लगा है, इस बार उन्हीं दोनों को सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बैक नहीं लगेगा। ठीक है, अधिकतर बच्चों को इन दोनों सब्जेक्ट में बैक लगा है, अगर उनको लगता है हम इसमें अच्छा किए हैं, अगर आप अच्छा किए हो तो स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए, निकाल लेंगे, अच्छे से नंबर बढ़ेगा और उसमें आपका नंबर ऐड हो जाएगा जो आपका पिछला जिसमें आप पास हुए हैं, है ना। और जिस बच्चे को लगता है कि हमारा नहीं निकल सकता स्क्रूटनी से, तो उनसे विनती करेंगे, भैया पैसा वैसा मत खर्चा करिए, आप अच्छे तरीके से एक बार बैक के फॉर्म भरिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी बात पे बात कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं बोल रहे हैं 2 से ज़्यादा बैक है, सर क्या करें, क्या हम स्क्रूटनी के फॉर्म डाल सकते हैं, क्या हम यूपी टेट के फॉर्म डाल सकते हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं बेटा आप फेल हो। 2 से कम वाले, मतलब सॉरी 2 से ज़्यादा वाले बैक, जिनका 2 से ज़्यादा बैक है वो फेल हैं पहले तो मान लें, और वह अगर स्क्रूटनी के फॉर्म नहीं डालेंगे, मतलब एक ऑप्शन उनके पास है, क्या ऑप्शन है, अगर उनका 4 में बैक है, मान लीजिए किसी बच्चे का 4 में बैक है, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे पर, अगर उनका 4 में बैक है, 4 सब्जेक्ट में उनका बैक है, 2 सब्जेक्ट किसी 2 सब्जेक्ट को ऐसे पकड़ें, क्योंकि स्क्रूटनी में केवल 2 ही सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। अभी स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस बताएंगे हम, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे आप,
किसी भी दो सब्जेक्ट को पकड़ेंगे जिसमें आपको लगता है कि हम इसमें अच्छे किए हैं और अच्छा हमें मिल सकता है फिर से वापस से नंबर, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। और अगर आपका क्लियर हो जाता है दोनों सब्जेक्ट, तो आप आगे थर्ड सेम की तैयारी करते रहिए अपना, और यूपी टेट के फॉर्म भी डाल सकते हैं। बात क्लियर हुई? जिन बच्चों को, जैसे कि दिशा हो गई, आईसी हो गई, शिल्पा हो गई, योगेंद्र, योगेश, ये सब हो गए, इन सब बच्चों का क्लियर होना चाहिए डाउट। बहुत सारे बच्चे हैं जो कल के क्लास जो हुआ था मैथमेटिक्स का, तो उस पर कमेंट किए थे, तो उनकी बात भी कर लेते हैं हम कि वह भी डाल सकते हैं। बेटा देख लीजिए, आप आपके ही कारण यह हमको वीडियो बनानी पड़ी है, आप अच्छे से देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम क्या बताएं आपसे, दो से ज़्यादा वाले बैग जो हैं, वह अगर मान लीजिए किसी बच्चे का तीन बैग है तो दो में डाल लें, वो एक में भी डाल सकता है अगर उसको लगे कि, क्योंकि दो वाले हमेशा पास माने जाते हैं, मतलब कि आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बैग का फॉर्म देंगे अगर स्कूटनी का नहीं डालेंगे तो। लेकिन दो से ज़्यादा वाले जिनका है, जो दो से ज़्यादा में बैग है जिनका, वो क्या काम करेंगे, वह दो में, किसी दो में बैग मतलब कि स्कूटनी डालेंगे अपना, और उनका अगर क्लियर हो जाता है तो थर्ड सेम की तैयारी करेंगे, प्लस यूपी टेट का भी डाल सकते हैं फॉर्म आने वाले समय में। ये बात क्लियर हो गई बच्चों को? अगर क्लियर है बच्चा तो आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। अब तीसरी बारे में बात कर लेते हैं, तीसरी बारे में बात करते हैं बेटा, यह जो मुद्दा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी तीसरी का छोड़ देते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट सेम। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर फर्स्ट सेम का क्या होगा, फर्स्ट सेम का क्या होगा। एक बात और बेटा आपको बता देते हैं, पहले जब आपका एक और दो नंबर से रुका हुआ है, अगर किसी बच्चे का एक और दो नंबर से रुका हुआ है, मतलब लगता है कि एक नंबर से फेल हो गया, दो नंबर से फेल हो गया, जैसे 11 नंबर 12 नंबर पासिंग है, 11 नंबर पा गए, किसी में मान लीजिए एक आंक दो नंबर से रुका हुआ है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा सा, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखा व्हाट्सएप पे, तो उनमें हमने देखा, उनको सुझाव भी दिया, आप डाल उनको सुझाव इस वजह से नहीं दिया बेटा, उस जगह नहीं बताया क्योंकि हमको क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं रहने के कारण हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना। अगर आप इस ऑनलाइन शिक्षण पर विश्वास करते हैं तो हम उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप विश्वास करिए, 100% जो भी जानकारी दी जाएगी आपको बिल्कुल क्लियरली सुस्पष्ट और वही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो लीगल होगा, ठीक है। इलीगल की बात यहाँ पर नहीं होगा, अगर ऐसी बातें होती हैं कभी काल के मुँह से निकल जाती हैं तो उसके लिए क्षमा याचना की बहुत ज़रूरत है हमें, आप लोग माफ़ कर दिया करें और बता दिया करें कि सर आपने ये बातें गलत बोल दिए हैं, ठीक है, उसको हम फिर से सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, है ना, उनको नहीं समझ में आता है कि बंदा मतलब आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। ऐसे महान भाव के लिए हम प्रणाम करते हैं, सादर स्पर्श करते हैं बेटा, आप लोग हर जगह सर्वाइव कर पाओगे ऐसे लोग, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं फर्स्ट सेम का क्या होगा। फर्स्ट सेम का बेटा क्या होगा, आप यही समझिए फर्स्ट सेम का क्या होगा। फर्स्ट सेम आप जो आपका सेकंड सेम का रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो पीएनपी है, पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकर जो है बेटा, प्राधिकारी जो है उसके तरफ से आदेश है, आदेश कर लीजिए लाइन, मतलब जो गाइडलाइन है जारी किया गया था बेटा, अभी कुछ क्लियरली नहीं है कि आपका फिर से एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें संशय है, इसकी बात हम नहीं करेंगे, फिर से एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे ही कुछ गाइडलाइन जारी होता है पीएनपी के द्वारा, है ना, परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा अगर कोई भी गाइडलाइन जारी होता है तो उसको आपके समक्ष लाया जाएगा। लेकिन अगर नहीं जारी होता है तो ये पहले अपने गाइडलाइन में बोल चुके हैं कि जो बच्चे का सेकेंड सेम का रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट होगा। अगर आपका 86% आया है तो 86% से थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपका रिजल्ट होगा फर्स्ट सेम का। अगर आपका 94% आया है तो थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बस मतलब एकाध दो नंबर का फर्क होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं फर्क होगा, है ना। अगर आप फेल माने हैं तो आप मतलब उसके लिए कुछ दूसरा गाइडलाइन बनाया जाएगा, तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, ठीक है बेटा। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तीनों बातें, या फर्स्ट सेम वाले का होगा पेपर कि नहीं होगा, जैसे कुछ गाइडलाइन आएगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा तो हम आपको जरूरी बेटा जरूरी वह सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करेंगे, मैम द्वारा या फिर मेरे द्वारा आपको सूचना जरूर पहुंचाया जाएगा, और क्लियरली स्पष्ट जो पूरी डिटेल जानकारी होगी, जो बिल्कुल क्लियर जानकारी होगा वही आपको दिया जाएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए, और जिसका दो सेम से मतलब दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैग था उनको समझ में आ गया क्या करना है मुझे, और जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैग था वह तो चिल करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें बेटा, ठीक है। और जिनका दो से ज़्यादा मतलब चार सब्जेक्ट में बैग है वो और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि स्कूटनी डालने से मेरा नंबर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बातें बढ़ेगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें और अपने आप को मोटिवेट रखा करें। मोटिवेट जो होता है बेटा बेस्ट पावरफुल ऑफ आपके लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, आप
कलेजे की मोटिवेशन अगर रहेंगे तो कोई आपको सामने वाला नहीं हरा सकता यार, कैसे हरा लेगा। आप अपने आप को मोटिवेट करिए और ये ख्याल नहीं लाइए। कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे क्या कर लोगे आप, अपने लिए कुछ करोगे ना, अपने माँ बाप का जिंदगी बर्बाद कर दोगे बेटा। आपका यही जिंदगी नहीं, यही लाइफ नहीं, एक बार फेल हो गए तो मतलब धराशाही। योद्धा क्या होता है, योद्धा एक बार धराशाही होने के बाद फिर उठता है, बार बार उठता है, बार बार हारता है, बार बार उठता है, बार बार हारता है। एक दिन ऐसा आता है सबको, वो जीत लेता है हर चीज़, वो जीत लेता है जो चाहता है, क्योंकि उसको हारने की प्रैक्टिस हो जाती है बार बार, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए और या कुछ गलत काम नहीं करने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर, हाउ टू फिल स्कूटनी फॉर्म एंड प्रोसेस। इसके प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, हम इसको सारे इरेज करते हैं पहले, जिससे कि हम यहाँ पे लिख कर आपको बता सकें सारी अच्छे से, ठीक है ना। और आप एक बार चक्कर शेयर कर दीजिए, जिससे कि और सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके जो बच्चे भटक रहे हैं, है ना। क्योंकि आप लोग के डिमांड के कारण ये वीडियो लाया गया है। जैसा कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, वो लोग जानते होंगे कि सर क्यों लाए हैं। हम उनके लिए स्पेशली लाए हैं जो हमारे प्रिय अजीज हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा अजीज हो बेटा, आप लोग हमारी फैमिली हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग खुश रहोगे तभी ये चैनल खुश रहेगा। चलिए अब देखिए, प्रश्न उठता है कि स्कूटनी क्या है, या फिर कैसे जमा करेंगे फॉर्म, आवेदन कैसे करेंगे, कब से स्टार्ट होगा, नियामक तक कैसे भेजेंगे, ये सारी बातें हम इसमें बताते हैं। पहली बात, अगर इसे पहली बात कर लेते हैं, पहली बात स्कूटनी फॉर्म आप अधिकतम दो विषय में भर सकते हो। इसी वजह से जिसका चार में बैक है वो केवल दो ही में भर सकता है और अपना ईयर बैक बचा सकता है। इसी वजह से हमने बताया था कि केवल दो विषय में आप भर सकते हो। जिसको संशय है कि हम एक और दो नंबर से फेल हैं तो वह तो ज़रूर भरें, और वह भी भर सकते हैं जो ज़्यादा नंबर से फेल हैं, क्योंकि आपको पता है साइंस में पता नहीं क्या इनकी गुड़ागणित है, सबको एक ही नंबर, मतलब छः 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 पाँच पाँच पाँच, मतलब जो इनको मनाया तो दे दिए, है ना। पता नहीं क्या गुड़ागणित इनकी, दिमाग ही खराब होता है मेरा तो, लेकिन खैर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते कुछ। और दूसरी बात, पहले तो दो सब्जेक्ट में अधिकतम भर सकते हैं, और दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या कर सकते हैं आप, स्कूटनी के लिए 100 रुपये का DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट सचिव PNP के नाम आपको बनवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है बता रहे हैं फॉर्म भरने का बेटा, सचिव के नाम आपको स्कूटनी के लिए 100 रुपये का DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात हो गई DD का। पहले में क्या हमने बताया आपको, अधिकतम दो सब्जेक्ट में भर सकते हैं, और दूसरे हमने एक बताया आपको, यह बताया कि आप DD के मतलब फॉर्म जो है 100 रुपये का बनवाएंगे, किसके लिए बेटा, किसके नाम बनाएंगे, सचिव यानी कि PNP जो आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उनके नाम बनवाएंगे, ठीक है बेटा। ये बात हो गई। अब तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। इसमें दो चीज़ है, दो मोड आएगा इसमें, साथ ही साथ जो सेकंड सेम के आपके रिजल्ट हैं, सेकंड सेम के रिजल्ट हैं बेटा, उसकी फोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति, इसके साथ जो आपका अंकानुदान है उसके एक फॉर्म, जो आपको अंकानुदान का तो फॉर्म मिलता है कॉलेज से, तो उसका फॉर्म प्लस जो आपका रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी आप कहाँ पे जमा करेंगे, दो जगह। यहाँ पे दो मोड़ आता है। पहले तो कुछ बच्चे हैं जो डाइट स्कॉलर हैं, वहाँ पे जमा करेंगे, वह जो डाइट स्कॉलर है बेटा वह तो अपने डाइट स्कॉलर वहाँ पे जमा करेंगे, और दूसरा बच्चा जो प्राइवेट संस्था से पढ़ाई कर रहा है वह प्राइवेट संस्था में अपना जमा करेगा। दो बातें क्लियर हुई इसमें, हमने क्या बताया आपको, रिजल्ट की फोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति प्लस अंकानुदान के फॉर्म आप कहाँ पे जमा करोगे, जो डाइट वाले स्कॉलर हैं वो डाइट वाले जगह, और जो प्राइवेट संस्था से कर रहे हैं अपना DLED वो क्या काम करेंगे, वहाँ पे जमा करेंगे। ये तो हो गई आपको ले जाना। अब देखिए चौथी चीज़ें, अब आपका काम कंप्लीट हुआ, अब वो क्या करेंगे, वह यह करेंगे बेटा, यह फॉर्म ऑनलाइन फीडिंग होती है, पहले तो जान लें यह ऑनलाइन फीडिंग होती है। इसमें जब आप उनको दे दोगे ना तो वह क्या करेंगे, ऑफलाइन जो आप दोगे सारी मटेरियल अपना, सारे फॉर्म सारे जानकारी, वह फीड करेंगे, वह उसे फीड करेंगे अपने तरीके से उसे फीड करेंगे। इसके बाद फिर वो डाइट के पोर्टल पर आएगा, डाइट के पोर्टल पर आएगा उसके बाद वह अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद यानी कि अप्रूव्ड होने के बाद तब यह फॉर्म आपका PNP यानी कि सचिव प्राधिकारी, जो नियामक परीक्षा नियामक सचिव प्राधिकारी है बेटा, उनके पोर्टल पर चला जाएगा। जब उनके पोर्टल पर आ जाएगा फिर वो कॉलेज के द्वारा आपका क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्रूव के पश्चात जब अप्रूव हो जाएगा वहाँ से, तो कॉलेज के द्वारा क्या होगा, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते थे, याद करिए कैसे भरते थे, बस उसी तरह बिल्कुल उसी बेस पे वो ऑनलाइन फॉर्म जो होगा 100 रुपये का डिमांड के साथ, और जो आपने उनको अपने रिजल्ट की छाया कापी दिए हैं, यह सारे यानी कि अंक पत्र जो दिए हुए हैं डायरेक्ट पर जमा करेंगे आपके कॉलेज में, वह कॉलेज वाले आपका जमा करेंगे। इसके बाद बेटा वो वेबसाइट पर आएगा, और एक
आपका पीएनपी यानी कि सचिव नियामक परीक्षा प्राधिकारी के कार्यालय में जाएगा एक हार्ड कॉपी, एक हार्ड कॉपी आपके जो है कि डायट के पास जाएगा, एक आपके परीक्षा माने पीएनपी के पास जाएगा हार्ड कॉपी वहां से ऑनलाइन भरने के बाद, और एक हार्ड कॉपी आपका पीएनपी के पास जाएगा बेटा, मतलब कि आपके डायट के पास आएगा। ये दो बातें, ये बातें अगर क्लियर हैं आपका तब उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हाँ आप अपना स्कूटनी के फॉर्म अच्छे तरीके से आपका फिल हो गया, अब जब भी आपका डेट आए तो आप पेपर दे सकते हैं। इस सारी बातें थी, ये सारे प्रोसेस थे। अभी भी जिस बच्चे को डाइट है बेटा उसको बार बार हम यही बोलना चाहेंगे, आप लोग बिल्कुल नर्वस ना हुआ करें। किसी एक साल का, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरा एक साल बर्बाद हो गया सर, एक साल बर्बाद हो गया, अगर आप अपने आप को कुछ कर लेते हैं तो उस माँ बाप की ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाएगी ना। क्या आप एक साल के लिए, मतलब कि क्या आप बस मतलब हारने के लिए आए थे, हार गए तो बस बात खत्म, चलो भैया सुसाइड कर लो और कुछ कर लो अपने आप को, ऐसा कुछ करने आए थे? तो यह अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ करने वाले हो कुछ गलत, आप बिल्कुल सही करोगे। एक बार हारे हो ना, योद्धा क्या होता है, बार बार हारता है, बार बार उठता है, बार बार लड़ता है। अरे यार अभी तो आप डाइट कर रहे हो ना, एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा डीएलएड तो आप क्या करोगे, अभी तो आपको यूपी टेट निकालना है, सी टेट निकालना है, उसमें भी हारोगे, उसमें भी कम नंबर आएगा, तो फिर दोबारा दोगे फॉर्म। अधिकतम जो है आप जो आपका, कुछ बच्चे पूछ रहे सर सी टेट का लाइफ टाइम है, तो सी टेट बेटा लाइफ टाइम नहीं है आपका, 5 साल के लिए वह वैलिड होगा आपका, ठीक है ना, 5 साल के लिए वैलिड है। कल हमने उसका रिव्यू भी कराया था चैनल पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। सी टेट का कल एग्जाम था तो हमने रिव्यू भी कराया था सेंटर पर जाके, बनारस में सेंटर पर जाके हमने रिव्यू कराया था, रिव्यू लिया था कुछ बच्चों का, जो वह आपको कुछ समझाना भी चाहे हैं आप देख सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहें कैसे तैयारी करने किया जाना चाहिए, कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए यूपी टेट के लिए सी टेट के लिए, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो आप भी वह वीडियो जरूर देखें, 7 या 3 मिनट का है, दोनों वीडियो आप जरूर देखें। और यह बताना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आप आएँ और अच्छे तरीके से तैयारी करें। कुछ बच्चों से हम यह पूछना चाहते हैं, बच्चे क्या हम यूपी टेट के लिए मैथ का क्लासेस और हिंदी के क्लास स्टार्ट कर दें? अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तब आप ऑनलाइन शिक्षण पे तो हैं ही, एक और चैनल है ऑनलाइन शिक्षण 2.0 वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगर आपका ज़्यादा मैसेज आया ज़्यादा कमेंट आया तो, ठीक है ना। कब, जब ऑफलाइन वीडियो हो जाएगा फिर उसके बाद आप कमेंट करिएगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे, जैसा आपका राय होगा, राय मशवरा होगा, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाएगा। मैथ का भी क्लासेस बिल्कुल फ्री टेट के लिए और हिंदी का भी बिल्कुल फ्री, वैसे हिंदी के काफ़ी क्लासेस ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे पढ़े हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में भी है और आपके एग्जाम में भी आएंगे, 100% आएंगे, आप देखिए, ठीक है दोस्तों। और कुछ बातें हैं जो हम बाद में कर लेंगे, इसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो बच्चे इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा अंदर की जो जागृति है वो जागृत की है कि हम वीडियो बना दें उनके लिए, तो उनके तक जरूर पहुंचने चाहिए वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वह देख सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और क्लास में, धन्यवाद।